हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। विजय विहार थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में एक घोषित अपराधी को क्राइम ब्रांच की NR1 की टीम ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंदर सिंह यादव ने मीडिया को बताया कि क्राइम ब्रांच की NR1 की टीम ने एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो विजय विहार थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में घोषित अपराधी था। जहां स्पेशल सीपी ने बताया कि आरोपी की पहचान मुकेश उर्फ रजनी, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, जो रहने वाला मेट्रो विहार फेज 2 का है, जिसकी FIR संख्या नंबर 691/18 धारा 302/34 IPC के तहत एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वांछित छल्ला था, जिसको गिरफ्तार किया है। आगे बताया कि हेड कांस्टेबल मनदीप द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त की गई थी और विकसित की गई थी, और विजय विहार थाना क्षेत्र के मामले में एक घोषित अपराधी और जिसका नाम मुकेश उर्फ रजनी है, जो होलोमी क्लब फेज 2 मेट्रो विहार में मौजूद है, इसके बारे में पता चला। तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जो कि ज्वाइंट CP HD मिश्रा और DCP अंकित सिंह के निर्देश पर ACP विवेक त्यागी के देखरेख में इंस्पेक्टर हितेश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम बनी। इस टीम में हेड कांस्टेबल मनदीप, हेड कांस्टेबल विकास, हेड कांस्टेबल विवेक इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम पहुंची होलोमी कला फेज 2 मेट्रो विहार पर, जहां मुखबिर के इशारे पर जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया और आरोपी पर पहले भी 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं।